एड्रेस कमेटी के चेयरमैन विजय आचार्य ने बताया कि लॉयर्स एसोसिएशन के वार्षिक चुनाव आगामी 20 फरवरी को डीएवी डिग्री में होना तय हो गया है। चुनाव को लेकर सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इस बार चुनाव में कुल 61 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिन्हें 6,700 मतदाता अपने मतों विभिन्न पदों के लिए चुनेंगे। तकनीकी की मदद से चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने का प्रयास कमेटी कर रही है। पूर्व के चुनावों में भी QR स्कैनर के माध्यम से ये संभव हो पाया था, जिसे इस बार और भी बेहतर तरीके से संपन्न करवाया जाएगा। कुल 14 बूथ बनाकर 100% मतदान करवाने का प्रयास किया जा रहा है। मुख्य चुनाव अधिकारी राजेश यादव ने बताया कि पुलिस की तरफ से अच्छा सहयोग मिल रहा है। सीनियर अधिवक्ताओं के लिए कचहरी परिसर से डीएवी कॉलेज तक जाने के लिए कुछ वाहनों की भी व्यवस्था की गई है। साथ ही किसी भी प्रकार की समस्या के लिए एल्डर्स कमेटी वहां पर मौजूद रहेगी, ताकि किसी भी प्रत्याशी को किसी भी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े और चुनाव निष्पक्ष और सफलतापूर्वक सम्पन्न हो सके। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए कानपुर नगर से संवाददाता प्रवीण सिंह चंदेल की रिपोर्ट। नमस्कार, मेरा नाम अमितेश सिंह सेंगर है और मैं कनिष्ठ उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूँ रिलायंस एसोसिएशन से। ये हमारी जो संस्था है ये तकरीबन 112 वर्ष पुरानी हो गई है और हम लोग लगातार अपनी संस्था के माध्यम से अधिकता हितों के लिए संघर्ष करते रहे और आगे भी करते रहेंगे। और मेरा इस बार सभी अधिकता साथियों से निवेदन है, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप लोग वोट दें, जिससे कि जब अच्छा वोट आप लोगों का पड़ेगा तो एक अच्छा व्यक्तित्व निखर के एक चयन होगा और जो वो पदाधिकारी बनेगा। और 20 तारीख को वोटिंग जो तिथि हमारी इंटर कमेटी ने तय करी है वो निश्चित तारीख है, उसके लिए आप लोग सब लोग तैयारी कर लें और हम लोगों की भी पूरी तैयारी है। हम लोग अधिवक्ता के लिए संघर्ष कर रहे हैं और करते रहेंगे। धन्यवाद। श्री प्रबल प्रताप सिंह, श्री देवनाथ शुक्ला, ये भी हमारे उसके अंदर मेंबर हैं जो हमारा चुनाव एल्डर कमेटी की तरफ से हमारा साथ दे रहे हैं और काम कर रहे हैं। हम लोगों का कार्यक्रम ये तय हुआ है कि 20 फरवरी को डीएवी डिग्री कॉलेज में हम लोग चुनाव का पूरा करेंगे, संपन्न कराएंगे और समय वहां पर होगा सवेरे 9 बजे से लेकर 5 बजे तक। इस बीच में हम लोग वहां पर 14 बूथ हमारे बनेंगे और वो बूथ जो है उसी में जिसमें करीब 550 हमारे मेंबर होंगे, वो सदस्य हमारे वहां पर वोट डालेंगे। करीब 6,700 मेंबर हमारे मतदान करेंगे, जिनका जो मतदाता सूची में जिनका नाम बाहर लिस्ट पे लगा हुआ है और उनका उनके लिए एक व्यवस्था रखी गई है कि उनको QR कोड यहाँ से मिलेगा, वो QR कोड वहाँ पर स्कैन होगा ताकि हमारा मतदान जो है बिल्कुल निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ हो सके, किसी को कोई शिकायत ना हो और किसी प्रकार का कोई अशांति ना हो। यादव, मैं एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट, ये अब आपके सामने जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं ये आपके सामने इस और संबंधित और बातें आपको बताएंगे। मुझे आप लोगों ने, मैं सदस्य कमेटी में हूँ और मुझे प्रभारी चार्ज दिया है मुख्यमंत्री का, क्योंकि 3 बार से लगातार हम इलेक्शन करवा रहे थे, 2 बार से करवाए हैं, 22 में, 23 में और 1 लास्ट में। तो उसमें यही है कि मैं अभी आपसे ऐसा बता रहा था कि हमारे बूथ में जो हम CIT से बच्चे बुलवाते हैं जो यहाँ से रिलेटेड नहीं होते, वो QR कोड से स्कैनिंग करते हैं। आप पर्ची लेके जाते हैं, जो भी कोई वोटर जाता है वो पर्ची में QR कोड जो एक होता है उसका साइन, उसको स्कैन करते हैं, वो जेन्युइन वोटर है कि नहीं उससे पता लग जाता है, उसी को एंट्री देते हैं। अंदर उसी जो वोटर एंट्री हुआ है उस बूथ के अंदर पर्टिकुलर, उसी के ही उसी कोई वोट डालने का राइट होता है। और अगर एक बार उन्होंने दबा दिया बटन तो दोबारा फिर उसकी एंट्री बंद हो जाती है। बिल्कुल, इसके उससे फर्जी वोटों को रोकने का ये हमने शुरुआत करवाई है। पहली बार 2022 26 अप्रैल को दोबारा का इलेक्शन करवाया था, उसमें ये हमारे रिलायंस एसोसिएशन के चुनाव आगामी 20 फरवरी को नियत है, जिसमें मैं हर्ष कुमार एडवोकेट वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद का प्रत्याशी हूं और इन आने वाले चुनाव में मैं सभी सम्मानित अधिवक्ता भाइयों बहनों से ये अपील करता हूं, वो अधिक से अधिक मतों का प्रयोग करें जिससे सही प्रत्याशी का चयन हो सके और उन्हें एक अच्छा प्रतिनिधि मिले। और मैं सभी सम्मानित अधिवक्ता भाइयों से भी निवेदन करता हूं कि मैं विगत 24 वर्षों से कानपुर में वकालत कर रहा हूँ और उपाध्यक्ष वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ, आप मुझे अपना अमूल मत प्रदान करें जिससे मैं अधिवक्ता समाज की कुछ सेवा कर सकूँ। जज्बा बहुत है लेकिन पद ना होने की वजह से कुछ चीज़ें मैं नहीं कर पाता हूँ, तो अगर सेवा का मौका मुझे मिला तो मैं अधिवक्ता समाज के लिए जो करना चाहता हूँ वो कर सकता हूँ।